हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। सो आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे उसका नाम है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। इस टॉपिक में हम जानने का प्रयास करेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी का क्या मतलब होता है, इसका क्या कंपोजिशन होता है, सरकार को ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि उसे जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी का गठन करना पड़ा। हम हमेशा की तरह एक मेंस क्वेश्चन और प्रीलिम्स क्वेश्चन भी लेंगे। ये टॉपिक प्रेजेंट किया जा रहा है मेरे द्वारा। मेरा नाम है सौरभ पांडे एंड आई एम सीनियर यूपीएससी फैकल्टी एट स्टडी आईक्यू। सो पहले हम देखते हैं मेंस क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी कैन हेल्प टू मेक मॉनेटरी पॉलिसी मोर इफेक्टिव। देखिए, जब हम मॉनेटरी पॉलिसी वर्ड यूज कर रहे हैं, इसका मतलब आप ये समझो कि मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है जो कि कंट्रोल करती है मनी सप्लाई इकोनॉमी में। ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है ये बनाई जाती है आरबीआई के द्वारा, ठीक है। और आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को बनाने के लिए कई सारे टूल्स को यूज करती है, जिससे कि वो मनी सप्लाई है उसको एक तरीके से कंट्रोल कर सके इकोनॉमी में। अब किस तरह से मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ने मॉनेटरी पॉलिसी को इफेक्टिव बनाना है, उस पर आपको आंसर लिखना है। वीडियो के फर्दर पार्ट में हमने इस विषय पर चर्चा की है, आप देखिए और फिर इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करिए। देखिए, हम प्रीलिम्स क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रीलिम्स क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। पहला क्वेश्चन है कि फाइनेंस मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, और दूसरा है इट्स फोकस इज ऑन इन्फ्लेशन टारगेटिंग। तो आप दोनों स्टेटमेंट को देखिए, क्या ये सही है या गलत, एंड देन ट्राई टू आंसर। सो हमारे पेनड्राइव कोर्सेस अवेलेबल हैं एसएससी एग्जाम के लिए, बैंक एग्जाम के लिए, यूपीएससी एग्जाम्स के लिए, यूपीएससी ऑप्शनल्स के लिए, डिफेंस एग्जाम्स के लिए, स्टेट पीएससी एग्जाम्स के लिए। आप studyiq.com वेबसाइट विजिट कर सकते हैं या फिर इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और कोर्सेज के बारे में जानकारी ले सकते। सो देखिए, ये जो टॉपिक है हम इसलिए इसको पढ़ रहे हैं क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी पहली बाई मंथली पॉलिसी रिव्यू जो कि फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के लिए है, उसमें ज़्यादातर जो रेट हैं, जैसे रेपो रेट है, उसको अनचेंज्ड किया है। ये जो डिसीजन लिया गया है ये मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के द्वारा लिया गया है, जिसको अगेन आरबीआई गवर्नर हेड करते हैं। हम वीडियो के आखिर में ये जानने का प्रयास करेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ने जो डिफरेंट रेट्स हैं उनको कितना रखा है और उन रेट्स का क्या क्या मतलब होता है। अब देखिए, पहला जो प्रश्न आता है, ये जो क्वेश्चन आता है आपके माइंड में कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है इसका गठन आखिर क्यों किया गया, तो इसको हम समझते हैं। देखिए, एक कोई भी इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, उसमें कई सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं। पहला है कॉमन मैन, दूसरा इंडस्ट्रियलिस्ट। हम इन दो लोग को लेते हैं। ये जो कॉमन मैन है, अगेन इसको हम कहते हैं रामू, और ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट है इसको कहते हैं रतन। अब इन दोनों की कुछ एक्सपेक्टेशन इकोनॉमी से रिलेटेड। रामू को ये लगेगा कि ठीक है, जो प्राइजेज हैं वो बहुत हाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर प्राइजेज हाई होंगे तो शायद उसको बियर नहीं कर सकते। लेकिन अगर रतन के देखें तो उनके एक्सपेक्टेशन थोड़ा अलग रहेगी। वो चाहेंगे कि इन्फ्लेशन जो है, जो महंगाई है, वो थोड़ा रहे, जिससे कि जो डिमांड है इकोनॉमी के अंदर वो एक तरीके से मेंटेन रहे। अब दूसरा देखिए, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की भी कई सारी एक्सपेक्टेशन होती हैं, और इन सारी एक्सपेक्टेशन की, गवर्नमेंट की, कॉमन मैन की, इंडस्ट्रियलिस्ट की, उनकी एक्सपेक्टेशन को ध्यान में रखना पड़ता था किसको, आरबीआई को, जब भी मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती थी। तो आरबीआई को मॉनेटरी पॉलिसी बनाने के लिए अलग अलग इंडिकेटर्स को ध्यान में रखना पड़ता था, जैसे कि ग्रोथ को भी ध्यान में रखना पड़ता था, फिर जो रेट्स हैं उनको भी ध्यान में रखना था, इन्फ्लेशन है उसको भी ध्यान में रखना पड़ता था। तो मल्टीपल इंडिकेटर्स होते थे जिसके बेसिस पे फिर आरबीआई डिसाइड करती थी। अब देखिए, अगर अगेन रामू की एक्सपेक्टेशन देखें तो वो ये चाह रहा है कि इन्फ्लेशन लो हो, ज़्यादा इन्फ्लेशन होगा तो उसके लिए सही नहीं है। जितने कॉमन मैन है उनके लिए हाई इन्फ्लेशन अपने आप सही नहीं, क्योंकि उनको ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा कुछ भी खरीदने के लिए। अगर रतन की बात करें तो रतन चाहेंगे कि अगेन हायर इन्फ्लेशन हो, जो इंडस्ट्रियलिस्ट जरूर चाहेंगे कि हायर इन्फ्लेशन हो। इसका रीज़न क्या है कि ये चीज़ ये रिफ्लेक्ट करती है कि इकोनॉमी के अंदर हायर डिमांड है। रतन ये भी चाहेंगे कि जो रेट हैं, जो रिवर, जैसे कि रेपो रेट है या बैंक रेट है, वो लो हो, जिससे कि वो ईजिली बैंक से लोन ले सके। अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट ये चाह रही है कि प्राइस स्टेबिलिटी रहे, प्राइस इनस्टेबिलिटी ना रहे। दूसरा है कि इन्फ्लेशन भी बहुत हाई नहीं हो, लोअर इन्फ्लेशन हो। और तीसरा है कि जो ग्रोथ है वो मेंटेन रहे। ग्रोथ के मेंटेनेंस के लिए जरूरत है कि जरूरी है कि
कि जो सप्लाई ऑफ मनी हो इकोनॉमी के अंदर वो थोड़ा ज़्यादा हो, क्योंकि अगर सप्लाई ऑफ मनी होगी तो अपने आप जो डिमांड होगी किसी भी प्रोडक्ट के लिए वो ज़्यादा होगी। दूसरा ये है कि जैसे जो रेट्स हैं, बैंक रेट है या रेपो रेट है, वो थोड़ा लो रखे हों, जिससे कि अगेन जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो पैसा ईजिली लोन ले सकें और अपने जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनको रन कर सकें, जो कि फर्दर ग्रोथ के लिए हेल्प। सो आरबीआई के पास ये डिलेमा था कि आरबीआई ग्रोथ पर फोकस करे या इन्फ्लेशन पे फोकस करे। अगर वो ग्रोथ पर फोकस कर रही है तो इन्फ्लेशन हायर हो रहा है, अगर इन्फ्लेशन को लो रख रही है मतलब कि मनी सप्लाई को रोक रही है, कंट्रोल कर रही है, तो ग्रोथ इफेक्ट हो रहा है। तो ये चीज़ें काफ़ी आरबीआई के लिए एक परेशानी का भी कारण था, क्योंकि उसको कई जगह से क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता था कि अगर रेट है, जो रेपो रेट है या बैंक रेट है, उसको काफ़ी लो कर दिया तो उसको क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता था, अगर हाई कर दिया तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो क्रिटिसाइज करते थे, और जो मेजर डिसीजन मेकिंग पावर थी वो आरबीआई के पास थी। इन्हीं सब चीज़ों की वजह से आरबीआई को या दूसरे जो एक्सपर्ट्स थे इकोनॉमी से रिलेटेड जो एक्सपर्ट्स थे, उनको ऐसा लगता था कि कुछ चेंज करना चाहिए। अब देखो, अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें तो अगर एक लेवल तक इन्फ्लेशन होता है तो इकोनॉमी ठीक रहती है, अगर इन्फ्लेशन बढ़ता चला जाता है तो इकोनॉमी भी क्या होती है, आप ये मानो कि वो भी कम होती जाती है, इकोनॉमी का भी जो हेल्थ है वो एक तरीके से रिड्यूस होता चला जाता है। तो इन्फ्लेशन तो कंट्रोल करना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था आरबीआई के लिए, जिसको आरबीआई कभी भी इग्नोर नहीं कर सकती थी। तो आरबीआई को क्या ध्यान में रखना था कि इन्फ्लेशन जो है वो एक लेवल तक मेंटेन रहे, अगर एक लेवल तक मेंटेन नहीं होगा तो जो लोग हैं, जो कॉमन आदमी है, इस इन्फ्लेशन जो कि महंगाई के दर के पर डूब जाएंगे। सो अर्लियर अगर हम देखें तो आरबीआई को अगेन मल्टीपल इंडिकेटर्स को यूज करना पड़ता था, उसको इन्फ्लेशन, ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, बैंकिंग स्टेबिलिटी, सारी चीजों पर ध्यान देना पड़ता था। और क्या होता था कि बहुत सारे, जैसे गवर्नमेंट चाह रही है कि जो रेट्स हैं, रेपो रेट, बैंक रेट लो हो, कंज्यूमर चाह रहा है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो, बैंक चाह रहे हैं कि रेट कट हो, पेंशनर चाह रहे हैं कि हायर रेट हो, जिनसे कि जिनसे उन्हें हायर जो उनके सेविंग पे ज़्यादा पैसा मिले, इंटरेस्ट मिले। तो ये सारे अलग अलग स्टेक होल्डर्स थे जिनकी अलग अलग डिमांड थी, वो आरबीआई के ऊपर लॉबी करते थे कि ठीक है, हमारे इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जाए। सो इसी चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए आरबीआई ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट को है ना लेके आई जनवरी 2014 में, और उसने सजेस्ट किया कि मल्टीपल इंडिकेटर अप्रोच को ख़त्म करो और जो मेन फोकस होना चाहिए आरबीआई का वो इन्फ्लेशन होना चाहिए। दूसरा उसने रिकमेंड किया कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का गठन हो, जिसमें कि आरबीआई के साथ साथ गवर्नमेंट के भी रिप्रेजेंटेटिव हो, क्योंकि फाइनली जो भी अगर पॉलिसी, जो पॉलिसी तो आरबीआई बनाएगी बट इन्फ्लेशन से रिलेटेड और दूसरे एस्पेक्ट से रिलेटेड जो दूसरी जो पॉलिसीज हैं जो इनडायरेक्टली अगेन इन्फ्लेशन और दूसरे फैक्टर्स को इफेक्ट करेगी, उसके लिए गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन बनाना जरूरी है और गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन या भागीदारी भी जरूरी है। सो आरबीआई का ये जो एम था कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को यूज करके, मतलब उसके जो एक्सपर्टीज हैं, जो आरबीआई भी एक आरबीआई के जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नर, डिप्टी गवर्नर और एक ऑफिशियल है वो है, प्लस जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट और वो दोनों मिलकर मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्मुलेट करेंगे और उनका जो मेन एम है वो सिर्फ इन्फ्लेशन कंट्रोल करना। तो ये एक चेंज आया मॉनेटरी पॉलिसी के गठन के बाद, ये बहुत बड़ा चेंज आया कि हम जो फोकस कर रहे हैं वो फोकस है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने पे, मतलब इन्फ्लेशन टारगेटिंग मेजर फोकस है इस समय मॉनेटरी पॉलिसी का। सो अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बात करें तो उसमें 6 मेंबर्स होते हैं, उसमें गवर्नर है आपके पास, डिप्टी गवर्नर है और एक ऑफिशियल है, उसके अलावा आपके पास 3 इंडिपेंडेंट मेंबर्स। अगर टाई की सिचुएशन आती है तो उस पर जो गवर्नर की जो वोटिंग है वो डिसाइड करेगी, क्योंकि जो मॉनेटरी पॉलिसी का डिसीजन होगा वो बेसिकली किस पर बेस्ड होगा, मेजोरिटी वोट पे, मतलब कि कितना रेपो रेट रखना है, कितना बैंक रेट रखना है, क्या इन रेपो रेट बैंक रेट को चेंज करना या अनचेंज करना, ये सारी चीज़ें डिसाइड होगी मेजोरिटी वोट के तहत। पहले ऐसा नहीं था, पहले क्या था कि जो भी जो आरबीआई थी उसका ही मेजर एक तरीके से रोल था, रोल अब भी है, लेकिन अगेन यहाँ पे गवर्नमेंट का भी पार्टिसिपेशन हो गया है। तो अगर हम नेक्स्ट बात करें तो इन्फ्लेशन जो टारगेटिंग है, अगर हम बोलें कि इन्फ्लेशन को जो कंट्रोल करना है उसकी बात करें, तो वो जो एक टारगेट दे दिया गया है आरबीआई को, वो टारगेट क्या है कि 4% प्लस माइनस 2, इनको मेंटेन रखना है इस टारगेट को अप टिल
2021, मतलब अगर 2021 तक उनको ध्यान में रखना है आरबीआई को कि जो रेट है, जो इन्फ्लेशन रेट है वो 4% प्लस माइनस 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर अगर ज्यादा होता है तो अगेन उसके लिए दूसरे प्रोविजंस है, उसके लिए जो जिम्मेदार कौन होगा, आरबीआई। तो आरबीआई के एक तरीके से अकाउंटेबल है अगर ये रेट जो है इतना हाई होता है। सो मेजर मैंडेट क्या है आरबीआई का इस समय, वो है 4% प्लस माइनस 2 इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। सो अब हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं जो अलग अलग मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड जो टूल्स हैं उनके बारे में। और अभी जो लेटेस्ट बाई मंथली जो रिव्यू हुआ है मॉनेटरी पॉलिसी का, उसमें क्या क्या ये जो रेट्स हैं वो कितने हैं। रेपो रेट देखा जाए तो वो एक तरीके से अनचेंज्ड है। रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट अगेंस्ट शॉर्ट टर्म बॉरविंग आप मानो इसको, ये ऐसा रेट है जो कि अगेन आरबीआई चार्ज करता है जो अगर कोई दूसरे बैंक उससे लोन लेते हैं, तो ये अगेन शॉर्ट टर्म के लिए। रिवर्स रेपो रेट अगर देखा जाए तो रिवर्स रेपो रेट अपोजिट होता है रेपो रेट का। इसमें अगर आरबीआई कोई लेती है दूसरे बैंक से तो आरबीआई जो है वो इंटरेस्ट देती है बैंक्स को। दूसरा हम देखते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इसको भी एक तरीके से अनचेंज रखा गया है 6.25 में। अब देखो जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है ये भी आप मानो कि ये ओवरनाइट बॉरविंग के लिए, मतलब आप ये मानो कि तुरंत आपको पैसा चाहिए, किसी बैंक को तुरंत पैसा चाहिए तो वो आरबीआई से ले सकता है, लेकिन उसको जो कि रेट जो देना पड़ेगा वो रेपो रेट नहीं देना पड़ेगा, रादर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एमएसएफ रेट देना पड़ेगा। उसके बाद हम देखते हैं बैंक रेट। देखो बैंक रेट जो होता है वो आप मानो कि लॉन्ग टर्म बॉरविंग रेट होता है, इसको भी अनचेंज रखा गया है 6.25 में। सपोज कोई बैंक को अगर लोन लेना है लॉन्ग टर्म के लिए तो वो आरबीआई क्या चार्ज करता है, बैंक रेट। नेक्स्ट है सीआरआर। देखो कैश रिजर्व रेशियो एक ऐसा रेट है जो कि अगेन जो बैंक्स हैं उनको एक अमाउंट जो है रखना पड़ता है आरबीआई तक, आरबीआई के पास एक अमाउंट रखना पड़ता है, उसको बोलते हैं सीआरआर, इसको भी अनचेंज रखा गया है। नेक्स्ट अगर देखते हैं एसएलआर, ठीक है, तो एसएलआर को रिड्यूस किया गया। देखो ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि एसएलआर को रिड्यूस किया गया है 19.5%, ओके, इसको रिड्यूस कर दिया गया है 20 से। अब एसएलआर आप ये समझो कि एक ऐसा अमाउंट है जो कि बैंक्स को अपने पास रखना है, ठीक है, ये अमाउंट बैंक को हमेशा अपने पास लिक्विड फॉर्म में रखना है, इसको लेंड नहीं करना है। सो ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी का जो डिसीजन है, जो डिफरेंट रेट्स इसने रखे हैं, कई जगह इसको अप्रिसिएशन मिल रहा है, कई जगह क्रिटिसिज्म मिल रहा है, बट अगेन यहाँ पे जो अच्छी बात ये है कि दोनों ही मतलब गवर्नमेंट और आरबीआई दोनों साथ मिलकर डिसाइड कर रहे हैं कि क्या रेट चेंज होना चाहिए। इससे इकोनॉमी के लिए थोड़ा बेनिफिट है क्योंकि अगेन मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी, जो फिस्कल पॉलिसी बनाई जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, उसके बीच अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा और ये हमारे इकोनॉमी के हेल्थ के लिए भी अच्छा है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिट होगा। सो अपना समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।